दुनिया भर में जियो एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को अपने न्यूज कास्टर मुजीन हुसैन बिलाल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं जिला मंडी बाउदीन से, जहां व्यापार के लिए सूद पर रकम देने वाले मुलजमान ने सूद की रकम न मिलने पर बकरों के व्यापारी को जानो चक में आर्जी रिहायशगाह से अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। 15 पर इतला मिलने पर SHO थाना पाड़े वाली मोहम्मद अकरम हुजर ने अपनी टीम के हमराह मगवी को बाजियाब करा लिया। 2 नामलूम्स में 4 अफराद के खिलाफ थाना पाड़े वाली में मुकदमा दर्ज। फालिया डिग्री कॉलेज मोहल्ला के रिहायशी बकरों के व्यापारी जाज अहमद ने शनावर तारड़ के वालिद अब्दुल रजाक से बकरों के व्यापार के लिए 8 लाख रुपए ले रखे थे, जो चंद माह कबल वापस अदा कर दिए, लेकिन मुलजमान ने असल जर रकम लेने के बाद सूद की रकम का मुतालबा कर दिया, जिसके इनकार पर कार में सवार शनावर तारड़ और जैन भट उर्फ जैनू और 2 नामलूम उसमें 4 मसला अफराद ने इजाज अहमद के घर जानो चक में दाखिल होकर उसकी बीवी बच्चों पर तशद्दुद करते हुए अगवा करके ले गए। अहले खाना ने 15 पर कॉल की तो SHO थाना पाड़े वाली मोहम्मद अकरम हुजर ने DPO मंडी बाउद्दीन नासर खान सियाल की खसूसी हदायत पर और DSP आफज इम्तियाज अहमद की निगरानी में पाड़े वाली पुलिस के हमरा बार वक्त कार्रवाई करते हुए उसे बाजियाब करवा लिया। थाना पाड़े वाली पुलिस ने शिनावर तारड़ और जैन उर्फ जैनू भट और 2 नामलूम में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरा मैन नवीद अफसल और जो 15 की इतला थी वो इनके घर वालों ने दी थी, तो हमने काफ़ी जगह पे इनको तलाश किया तो DPO साहब को बतलाया और आफज इम्तियाज DSPS DPO साहब को बतलाया, तो उन्होंने भी तमाम तार वसायल और नफरी दी और काफ़ी टीमें मुकर गश्त के लिए निकाली, तो ये बेलाकर हमारी 2-3 घंटे की कामयाबी के बाद ये मगवी जो इजाज़ आमद ये हमें फालिया से मिल गया। तो चरुंडिया के साथ रिपोर्ट शायद सामल, जियो एक्सप्रेस न्यूज पाड़े वाली।